एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस। एक से दस तक की गिनती का ही प्रयोग करके आगे की गिनती बनती है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक को एकः कहते हैं, दो को द्वौ कहते हैं, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पांच को पंच, छः को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, दस को दस कहते हैं। एक से दस तक की गिनती का प्रयोग करके ही उसमें आगे दस लगाकर आगे की गिनती बनाएंगे 20 तक। 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को एकोनविंशति या नवदश कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं। आगे की गिनती बनाने के लिए हम 20 को आगे लिखेंगे और एक से लेकर 10 तक की गिनती का ही प्रयोग करते हुए 30 तक इस गिनती को लिख सकते हैं। 21 को लिखने के लिए एक विंशति लिखेंगे, 22 को लिखने के लिए द्वाविंशति, 23 को लिखने के लिए त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को एकोनत्रिंशत् लिखेंगी, यानी कि 30 में एक कम। 29 को एकोनत्रिंशत् और 30 को 63 लिखते हैं। 30 से 40 तक की गिनती लिखने के लिए हम 63 का प्रयोग आगे करेंगे और 1 से 10 तक की गिनती का भी प्रयोग करेंगे। 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयत्रिंशत्, 34 को चतुर्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षड्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टत्रिंशत्, 40 एकोनचत्वारिंशत्, 40 चत्वारिंशत्। 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं और 40 से लेकर 50 तक की गिनती बनाने के लिए हम 40 और उसमें 1 से 10 तक की गिनती का प्रयोग करेंगे। 41 को एक चत्वारिंशत्, 42 द्वि चत्वारिंशत्, 43 त्रि चत्वारिंशत्, 44 चतुष चत्वारिंशत्, 45 पंच चत्वारिंशत्, 46 षट चत्वारिंशत्, 47 सप्त चत्वारिंशत्, 48 अष्ट चत्वारिंशत्, 49 एकोन पंचाशत्, यानी कि 50 में एक कम। एकोन मतलब एक कम और पंचाशत 50 को कहते हैं, तो 49 लिखने के लिए एकोन पंचाशत् लिखेंगे या फिर नव चत्वारिंशत्। अब हम 50 से 60 तक की गिनती लिखने के लिए 50 को आपको याद रखना है, इसका प्रयोग करेंगे और साथ में 1 से लेकर 10 तक की गिनती का प्रयोग करेंगे। 51 एक पंचाशत, 52 द्वि पंचाशत, 53 त्रय पंचाशत, 54 चतुष पंचाशत, 55 पंच पंचाशत, 56 षट पंचाशत, 57 सप्त पंचाशत, 58 अष्ट पंचाशत, 59 नव पंचाशत। 60 को षष्टी लिखते हैं, षष्टी, और 60 से लेकर 70 तक की गिनती में हम 60 और 1 से 10 तक की गिनती का प्रयोग करेंगे। 61 को एक षष्टी, 62 को द्वि षष्टी, 63 को त्रय षष्टी, 64 को चतुष षष्टी, 65 को पंच षष्टी, 66 को षट षष्टी, 67 को सप्त षष्टी, 68 को अष्ट षष्टी, 69 को
नव षष्ठी सत्तर को सप्तती कहते हैं, और सत्तर और एक से दस तक की गिनती का प्रयोग करेंगे सत्तर से अस्सी तक की गिनती बनाने में। इकहत्तर एक सप्तती, बहत्तर दुई सप्तती, तिहत्तर त्रय सप्तती, चौहत्तर चतुः सप्तती, पचहत्तर पांच सप्तती, छहत्तर सत सप्तती, सतहत्तर सप्त सप्तती, अठहत्तर अष्ट सप्तती और उनासी को नव सप्तती कहते हैं। अस्सी को असीती कहा जाता है और 80 से 90 तक की गिनती, हम 80 और 1 से 10 तक की गिनती का प्रयोग करके बनाएंगे। 81 को एकासीती, 82 को द्वयासीती, 83 को त्रयोसीती, 84 को चतुर्सीती और 85 को पंचासीती, 86 को षट्सीती, 87 को सप्तासीती, 88 को अष्टासीती और 89 को नवासीती कहा जाता है और 90 को नवती कहा जाता है। एक नवती, दुई नवती, 93 को त्रयोनवती, 94 को चतुर्नवती, 95 को पंचनवती, 96 को षड्नवती, 97 को सप्तनवती, 98 को अष्टनवती, 99 को नवनवती और 100 को शतम कहा जाता है। इस तरह से 1 से 10 तक की गिनती को आपको पहले अच्छे से याद करना है, उसके बाद आगे की गिनती बनाने में उसी का प्रयोग किया जाता है। फिर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इनको कैसे लिखते हैं, कैसे इनको पढ़ते हैं, ये आपको याद करना है। तब आप आसानी से 1 से 10 तक की गिनती का प्रयोग करते हुए 1 से 100 तक की गिनती को आसानी से लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे। धन्यवाद।